बाबर सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मगोका का केस लगा हुआ है। मैं आसिफ बाबा गैंग में हूँ। अच्छा। वो गैंग भी लोन बिजनेस चलाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली के जिम संचालक नादेशाह हत्याकांड में बदायूं के योगेश उर्फ राजू को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस हिरासत के दौरान योगेश वर्मा ने 90 के दशक की फिल्मी कहानियों की तरह समाज और पुलिस से सताए गए व्यक्ति की तरह हथियार उठाने की जो कहानी सुनाई है वो काफी हैरान करने वाली है। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले योगेश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर भी बोलता सुना जा रहा है। कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी कोई बढ़िया आदमी नहीं थे, उन पर मकोका का केस दर्ज था। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था। बहरहाल उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी दोहरी बातें सामने आ रही हैं। मथुरा पुलिस ने उसे मथुरा से मुठभेड़ में अरेस्ट करने की बात कही है, जबकि पुलिस की मौजूदगी में योगेश की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें वह खुद को बदायूं से गिरफ्तार करके मुठभेड़ की बात कहते सुना जा रहा है। मुझे बदायूं से अरेस्ट किया था और यहाँ ले आई पुलिस, और जिसमें मेरे टांग में गोली लगी है। बदायूं के एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने कहा कि यहाँ उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, 10 साल पहले उसका परिवार बदायूं से जा चुका है। बदायूं पुलिस बदायूं में योगेश की मुठभेड़ से इनकार कर रही है, तो योगेश कह रहा है कि उसकी मुठभेड़ बदायूं में की गई है। बदायूं के मोहल्ला कटरा ब्रह्मपुर में योगेश का परिवार रहा करता था, जो 10 साल पहले दिल्ली शिफ्ट कर गया है। योगेश दिल्ली के जिम संचालक नादिर शाह हत्याकांड में आरोपी है। वह खुद को हासिम बाबा गैंग से जुड़ा बता रहा है और कह रहा है कि ये गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई की है। लॉरेंस बिश्नोई पुलिस समाज के सताए हुए कथित गुंडे बदमाशों के नए हीरो बनकर उभरे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। इस हत्याकांड में शामिल आरोपी यूपी के जिला बहराइच और हरियाणा के हैं। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को लेकर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसने देश भर से करीब 700 लोगों की फौज तैयार की है। ऐसे लोगों को गैंग में रखा है जिनका कोई पहले से आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, और गैंग के इशारे पर उसकी टीम के ये गुंडे लोगों को निशाना बना रहे हैं। बस ये थी कि मैं एक गरीब हूँ और मुझे नाजायज सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए और इस तरीके से मैं वहां तक पहुंच गया। मैं आसिफ बाबा गैंग में हूँ। अच्छा। वो गैंग भी लोन बिजनेस चलाते बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। अरे क्या कहते हैं, फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीजें मिल जाती है। अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। इस खबर से जहां समाज के एक बड़े हिस्से में बेचैनी, डर और सुरक्षा की चिंता देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लॉरेंस को सेंचुरी ऑफ द मैन की उपाधि से संबोधित किया जा रहा है। एक बड़ा तबका लॉरेंस बिश्नोई को हीरो की तरह पेश कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर इंटरनेशनल स्तर पर कनाडा और भारत के बीच बड़ा बखेड़ा मचा है, और इस सब के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित लोग यहां हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं